नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ पौष पूर्णिमा 12 को शिव को प्रसन्न करने के लिए राशि अनुसार करें, ये उपाय खुल जाएंगे किस्मत के दरवाजे। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा बहुत ही शुभ और खास मानी जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं। इस पौष पूर्णिमा के साथ शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं, साथ ही किसी भी तरह की बीमारी हो उससे निजात मिल जाता है। इस बार पौष पूर्णिमा 12 जनवरी गुरुवार को है। पौष पूर्णिमा के दिन राशि अनुसार उपाय करने से आपकी किस्मत चमकने के साथ साथ आपको हर काम में सफलता और भगवान की कृपा बनी रहती है। जानिए इस दिन राशि अनुसार कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। मेष राशि, इस राशि के जातक भगवान शिव की पूजा करें। इसके लिए शिवलिंग में कच्चा दूध और दही चढ़ाएं। इसके साथ ही बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करें। वृषभ राशि, इस राशि के जातक शिवलिंग पर गन्ना का रस चढ़ाएं। इसके साथ ही मोगरे से बना हुआ इत्र और भोग के रूप में कुछ मीठा चढ़ाएं। मिथुन राशि, इस राशि के जातक भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो शिवलिंग की पूजा करें। अगर स्फटिक शिवलिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है। शिवलिंग का अभिषेक दूध जल लाल गुलाल कुमकुम चंदन इत्र आदि चढ़ाकर करें। कर्क राशि, इस राशि के जातक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए अष्टगंध और चंदन से अभिषेक करते हुए आटे से बनी हुई रोटी का भोग लगाते हुए पूजा करें। सिंह राशि, इस राशि के जातक पौष पूर्णिमा के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए शिवजी जी को फल के रस में चीनी का घोल मिलाकर अभिषेक करें, साथ ही फूल के रूप में आंकड़े के फूल अर्पित करते हुए कुछ मिठाई का भोग लगाएं। कन्या राशि, इस राशि के जातक शिवलिंग में कपूर मिश्रित जल का अभिषेक करें। इसके साथ ही बैर धतूरा आंकड़े का फूल अर्पित करें। इसके अलावा बिल्व पत्र में निवेद रखकर अर्पित करें। तुला राशि, इस राशि के जातक जल भर किसी भी तरह का फूल जलकर अभिषेक करें। इसके बाद बिल्व पत्र मोगरा चंदन चावल आदि अर्पित करें, विधि विधान से पूजा करें। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातक शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग को घी शहद दूध गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद पूजा करें। धनु राशि, इस राशि के जातक दूध के साथ जल मिलाकर अभिषेक करें। इसके बाद बिल्व पत्र गुलाब आदि अर्पित कर सूखे मेवे का भोग लगाएं। मकर राशि, इस राशि के जातक गेहूं का इस्तेमाल कर भगवान शिव की पूजा करें। इसके लिए शिवलिंग को गेहूं से ढक दें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद गेहूं हटाकर दान कर दें। कुंभ राशि, इस राशि के जातक शिवलिंग की पूजा करें। इसके साथ ही ये बात ध्यान रखें कि शिवलिंग एकांत जगह पर स्थापित हो। इसके बाद जल से अभिषेक करने के बाद सफ़ेद और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। मीन राशि, इस राशि के जातकों को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के नीचे बैठकर शिवलिंग की पूजा करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बिल्व पत्र चढ़ाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।